मेरे क्षेत्र में लगातार रोडों की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और इन समस्याओं को मैं लगातार सरकार के आगे रखने का प्रयास कर रहा हूं और लगातार विधानसभा में भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मैंने प्रयास किया है। और आज भी मेरे कैसे ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पर 108 को भी बुलाना हो तो पेड़ों में चढ़ करके और धारों में जाकर के 108 को फ़ोन करने के लिए करके बुलाना पड़ता है। यही स्थिति मेरे गाँव की है। और आज कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर दूर जाकर के हमें रोड मार्ग तय करना पड़ता है और कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर 100-100 150 बच्चे हैं, एक शिक्षक के सहारे वो बच्चे चल रहे हैं। तो इसलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमने सरकार के लोगों से कहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि बैलेंस होना चाहिए, कि तराई में अगर 40 बच्चों में अगर 5 शिक्षक हैं तो पहाड़ों में 90 बच्चों में एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो ये बैलेंसिंग इसका कोई समाधान निकलना चाहिए, कि इसका कोई पैमाना तय होना चाहिए कि पहाड़ के बच्चे कहाँ जाएंगे। आज पलायन का कारण क्या है? मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि अगर आप पहाड़ से पलायन रोकना चाहते हो तो पहले पहाड़ों में वहाँ पर शिक्षकों की कमी पूरा करिए, डॉक्टरों की कमी पूरा करिए और रोड, जहाँ पर रोड नहीं है रोड लाने का प्रयास करिए, तभी पलायन रुक सकता है। सरकार का रवैया किस तरह से है आपके मांगों को लेकर सकारात्मक? मुझे सरकार पर भरोसा है कि मेरी समस्याओं का समाधान होगा और अभी तक सरकार के लोगों ने मुझे सकारात्मक रूप दिया है और मैंने माननीय सरकार को समर्थन भी दिया है कि मैं सरकार को समर्थन कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना है और मैंने अब डंडा बहुत गाड़ दिया है, मैंने आंदोलन बहुत कर दिए, मैंने संघर्ष बहुत कर दिए और मैंने अब दूसरा रास्ता छोड़ दिया। अब मैं संघर्ष के बजाय मैं शालीनता से रास्ता निकालना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं निवेदन करके अपनी मांगों के प्रति सरकार से निवेदन कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि सरकार मेरी समस्याओं का समाधान करेगी, मुझे आशा है पूर्ण।